भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मोदी 3.0 सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अब भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर चर्चा तेज हो गई है। भाजपा के एक व्यक्ति एक पद एक नीति के अनुसार अब भाजपा को इस महीने नया अध्यक्ष मिल जाएगा। जेपी नड्डा का बतौर भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें अध्यक्षीय कार्यकाल का एक्सटेंशन दिया गया था और 30 जून को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में शामिल भाजपा के कई दिग्गजों के मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नए अध्यक्ष के नाम को लेकर संशय बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में काफी आगे था, लेकिन उन्होंने मोदी 3.0 सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में था, लेकिन वह भी मोदी 3.0 सरकार में मंत्री बन गए हैं। इसके साथ भूपेंद्र यादव का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में था, लेकिन वह भी नई सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चौंकाने वाला नाम हो सकता है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उसने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भाजपा के आसान नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का उत्तर प्रदेश और चुनावी राज्य महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। ऐसे में अब अटकलें इस बात पर भी लगाई जा रही कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र से आ सकता है। लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। ऐसे में अब संगठन भी सवालों के घेरे में आ गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूती देने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रभारी रह चुके सुनील बंसल को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी राज्य महाराष्ट्र से भी आ सकता है। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र भाजपा की सीटें काफी कम हो गई है। ऐसे में महाराष्ट्र को अब काफी तवज्जो दी जा रही है। वहीं भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र से भी आ सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र से आते हैं, उनका नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में चल रहा है।